क्यूट से शिट्ज़ू दिखाएंगे। तो गाइस देखना कितने प्यारे प्यारे शिट्ज़ू हैं, देखो इंडिया का भी चैंपियन है। तो ये की कैसे क्वालिटी, कैसे देखो जी, शिट्ज़ू और लासा का ना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो है ना गाइस, ये है ना सेकंड पार्ट होएगा इस व्लॉग में ना, तुम्हारा भाई है ना शिट्ज़ू ब्रीड कवर करेगा। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स चैनल में आया हूँ, तो हमारे साथ सिमू पाजी से मैं आपको शिट्ज़ू ब्रीड की थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। सो गाइस ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, व्लॉग को शुरू करते हैं। आपने पार्ट वन में है ना इनको देखा होगा, साइबेरियन हस्की को देखा होगा, तो आप गाइस देख सकते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे सब। तो ये सेकंड पार्ट में है ना आपको ये क्यूट क्यूट से शिट्ज़ू दिखाएंगे। तो गाइस देखना कितने प्यारे प्यारे शिट्ज़ू हैं, देखना ये तो शिट्ज़ू की गैंग ही लग रहा है। देखना गाइस ये ओवर एक्साइटेड है, ये देखना। तो गाइस हम इनको निकालेंगे, तो देख सकते हैं आप सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने साइबेरियन हस्की की बात की थी, और हमारे साथ इधर सिम्बू पाजी। तो पाजी जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में साइबेरियन हस्की की बात की थी, और सेकंड पार्ट में हम शिट्ज़ू की बात कर रहे हैं। तो ये शिट्ज़ू आप देख सकते हैं, और शिट्ज़ू के बारे में बताइए कि आपको मतलब कैसे आपने सोचा कि शिट्ज़ू ब्रीडिंग आगे करेंगे। हाँ जी, शिट्ज़ू इस तरह जी एक टॉय ब्रीड है, बिल्कुल ऐसे जो हमको यह मालूम है कि ये टॉय ब्रीड है, ठीक है। इसको हम अच्छे से कहीं भी रख सकते हैं, छोटा है इसका घर, छोटा है वो भी रख सकता है, ठीक है। एक हमारा फैमिली डॉग है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक दोस्त के घर गया था, वहां मैंने देखा कि शिट्ज़ू उसने एक डॉग रखा हुआ था, मेरे को अच्छा लगा और मैंने ये ब्रीड लेने का मन बना लिया, ठीक है। और ये मेरा स्टड है, जो मेरा हमारा वेल्प इम्पोर्ट है, ये किधर से वेल्प इम्पोर्ट है जे। हाँ जी, और ये सोलंकी की ब्रीडिंग का है, जो सोलंकी दिल्ली में है, मेरा गरीराज सोलंकी मेरा दोस्त है, उसके घर की ब्रीडिंग का है जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो मतलब आपको शिट्ज़ू के ऊपर ब्रीडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5 ईयर। फाइव ईयर हो गए। हाँ जी ओके। तो गाइस आप देख रहे थे, और आपके पास टोटल शिट्ज़ू कितने होंगे कैनल पे? यहाँ मेरे पास तकरीबन 12 है। 12 है, 12. और वैसे हमारे पास तकरीबन 30 के अकॉर्डिंग है। ओके 30 के अकॉर्डिंग है। ओके तो गाइस देख सकते हैं इस क्यूटी को, देखिए गाइस कितना प्यारा है। तो गाइस हम और भी देखते हैं, 12 है इस इधर। हाँ तो 12 देख सकते हैं हम ना। तो पाजी कह रहे थे ना शिट्ज़ू की हम अंदर ही शूट कर लेते हैं, तो देखना ऐसे लग रहा है कि शिट्ज़ू गैंग ने हमें घेर लिया है। देख सकते हैं गाइस ये क्यूटी क्यूटी शिट्ज़ू है, तो आप देखिए ये देखो, तो देख सकते हैं गाइस आप। तो पाजी थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि लाइन के बारे में बताइए मतलब। हाँ बता दीजिए कि स्टार्टिंग जो सबसे पहली, बिल्कुल शिट्ज़ू बताइए कि कौन सी है आपके पास स्टार्टिंग पहले सबसे। ये मेरी फीमेल है। ओके जी, ये बारे में है। ओके अब ये मेवन की डॉटर है ये। ओके मेवन की डॉटर है, और उसके बाद जो भी बच्चे हैं सभी मेरे अपने घर की ब्रीडिंग के हैं। ओके आपकी जो भी, हाँ फीमेल है अभी, कुछ रेडी है कुछ छोटी है अभी। ओके देख सकते हैं सभी सारी है छोटी है। तो जो आपका मतलब कैसे मतलब बताएंगे स्टार बॉय कौन होगा चैनल का? हाँ जी बिल्कुल, एक तो ये मेरा पुराना डॉग है ये गब्बर। गब्बर हाँ जी गब्बर, अभी ये ट्रिम किया हुआ है। ओके और ये मेरा मतलब कि फर्स्ट डॉग है। ओके ये फर्स्ट डॉग है। हाँ जी, और एज कितनी होगी इसकी? तकरीबन इसकी 4.5 साल के अकॉर्डिंग हो गया। ओके 4.5 साल। हाँ जी हाँ जी, 4.5 हो गई। 4.5 तो आप देख सकते हैं गब्बर ही लग रहे हैं, गब्बर गब्बर तो देख सकते हैं गाइस आप। और सेकंड डॉग तो आप फीमेल बता रहे हैं कि सेकंड फीमेल कौन सी है? हाँ जी उसके अकॉर्डिंग तो एक अभी लिटर हुआ है लेटेस्ट ही आज। ओके आज मतलब मेरे चरण शुभ है। हाँ जी बिल्कुल, आज गाइस लिटर हुई है। हाँ जी आज हमारे पास 2 लीटर हुए हैं, एक साइबेरियन हस्की का और एक शिट्ज़ू का। शिट्ज़ू का ठीक है, आप डे बाय डे होते रहते हैं, जैसे आगे डिलीवरी होने वाली है फीमेल की। ओके ये इस फीमेल की डिलीवरी होने वाली है, तो आप देख सकते हैं ये भी फर्स्ट फीमेल थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी फर्स्ट फीमेल थी। Okay. और अभी मेरे पास सभी KCA डॉग हैं। ओके सभी KCA रजिस्टर्ड हैं। विद पेपर मेरे पास सभी बच्चे हैं जो भी होते हैं, ठीक है। KCA रजिस्टर्ड मतलब आपकी कैनल भी KCA रजिस्टर्ड है? हां नहीं जी KCA रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा कैनल नहीं है, डॉग सारे डॉग टोटली हमारे पास KCA रजिस्टर्ड है। ओके हां जी, तो मतलब आप आगे ट्राई करोगे कैसे? हाँ जी हाँ जी, नहीं हमारा है प्लान अभी, बस कुछ टाइम के बाद ही हम, क्या पहले सेटअप नहीं था प्रॉपर हमारे पास, अभी जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हमारा दूसरा कैनल आपको
और तभी हमारा है प्रॉपर एक जगह ही कर रहे हैं प्रॉपर एक वन कैनल ही बना लेंगे आप देख सकते हैं। और बता दीजिए और डॉग के बारे में बताइए। हाँ जी अभी हमारे पास 3 स्टड हो गए हैं ठीक है क्योंकि हमारे पास फीमेल है ठीक है। ज्यादा हम ऐसा नहीं है कि हर कोई कोई भी लासा फीमेल ले आ रहे उसको उसको भी मेटिंग करा दे ऐसा हमारे पास मतलब इसमें मिक्सिंग जैसे लाशा एप्सों से मिक्सिंग होती है। थोड़ा सा बताइए कि मतलब जैसे हम मुझे पता हाँ नहीं शिह ट्ज़ू और लाशा एप्सों के बारे में मुझे कुछ हाँ। नहीं पता क्या ना ब्रीडर मुझे कह रहा है कि ये शिह ट्ज़ू का बच्चा है लेकिन दे मुझे लाशा एप्सो है तो बताइए कि कैसे क्वालिटी कैसे देखो जी शिह ट्ज़ू और लाशा का ना जमीन आसमान का फर्क होता है ठीक है। एक तो उसकी हाइट सबसे पहले तो अच्छा हाइट हाइट ज्यादा बड़ी होती है अच्छा लाशा एप्सो लाशा की बिल्कुल। उसका जो नोज होता है देखो इसका नोज देखो ठीक है और हाँ बिल्कुल एक देखो कितना ठीक है। और लासा का कम से कम भी 1.5 इंच के अकॉर्डिंग उसका नोज होता है ठीक है। हाँ फिर उसकी जो फार होती है जो भी उसका कोट होता है वो बहुत हल्का होता है ओके। हाँ पर वो अग्रेसिव भी होती है अच्छा लाशा एप्सो अग्रेसिव होती है इसे शिह ट्ज़ू से अग्रेसिव होती है ओके शिह ट्ज़ू से अग्रेसिव मतलब ऐसे तो है नहीं काटती नहीं मतलब ऐसे नेचर अग्रेसिव हां नेचर भाई। थोड़ा हम कलर की बात करें कि कलर कितने तरह के आए हैं शिह ट्ज़ू में। शिह ट्ज़ू में देखो ये अभी तो एक नया ट्रेंड चला है कि लोग बहुत एग्जॉटिक कलर बोल देते हैं एग्जॉटिक कलर हाँ एग्जॉटिक कलर तो गाइस मैंने ना फ्रेंच बुलडॉग में सुना है कि हाँ, वो अभी देखो जी इसमें अभी तो क्या पहले तो ट्राई कलर जैसे रेड एंड ब्लैक रेड ब्लैक और व्हाइट ये ट्राई कलर है ब्लैक भी आ गया इसमें रेड भी आ गया और व्हाइट भी आ गया ब्लैक एंड व्हाइट भी आ जाता है ठीक है। तो गाइस ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ गया हाँ जी ठीक है व्हाइट और टैन भी आ जाता है इसमें इसमें प्रॉपर ब्रांडल का बिल्कुल चॉकलेटी कलर भी आ रहा है अभी ओके। मैंने ना ब्लैक शिह ट्ज़ू भी देखा था कि ब्लैक शिह ट्ज़ू आ रहा है बिल्कुल अभी इंपोर्ट हुए हैं लेटेस्ट ओके लेटेस्ट इंपोर्ट ब्लैक भी आ रहा है प्योर व्हाइट भी अभी आते हैं ठीक है। प्योर व्हाइट उसमें हल्का पैच आ जाता है मेरे डॉग के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास ओके आपकी ब्रीडिंग के आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसमें ब्लैक आ जाता है बिल्कुल चॉकलेटी आ रहा है ओके। तो देख सकते हैं कितने क्यूट हैं। और डाइट वगैरह की बात करें इनमें कोई मतलब कुछ रहता है डाइट वगैरह का नहीं कुछ डाइट का देखो जी जो जैसे तो हमने फैमिली में एक आधा डॉग रखना है तो उसको कुछ भी फ्रूट भी डाल दो सभी कुछ खाते हैं अच्छा खाते हैं हाँ जैसे ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग हम डॉग फूड देते हैं इसको कट देके इग देते हैं बोनलेस चिकन दे देते हैं ठीक है। मतलब जैसे कि आपके पास ना ज्यादा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब जैसे कि कई है ना मतलब जैसे फैमिली में एक पेट ही रखना है मतलब वो ट्रिमिंग वगैरह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो जी अगर तो इसको प्यार से रखना है तो ट्रिमिंग ना भी करें ना मतलब प्रॉपर इनको ग्रूमिंग चाहिए ग्रूमिंग चाहिए हाँ जी ग्रूमिंग चाहिए। और हमारा देखो ब्रीडिंग करनी है ब्रीडिंग जब करते हैं लिटर आता है तो बच्चे फीमेल है मतलब के ब्लड वगैरह जो भी होता है इसी के कारण हमें ट्रिम करना करनी पड़ती है। पर जो असली शिह ट्ज़ू है वो इसी के इसकी लुक जो शिह ट्ज़ू की हेयर के अकॉर्डिंग जैसे की कैसे ना मैं चाओ चाओ की बात करूं चाओ चाओ के ना कई लोग ना मतलब ट्रिमिंग अच्छे से बाल उनके ऐसे ही निकाल देते हैं स्किन दिखने लगते हैं वो चाओ चाओ अच्छा नहीं लगता सिमिलर मतलब डबल कोट जो बना है डबल कोट में ही रहना चाहिए बिल्कुल। देखो गर्मियों में लोग बोलते हैं गर्मी पर हमारे पास तो एसी वगैरह की फैसिलिटी है एसी वगैरह मतलब ये हम आपके अकॉर्डिंग बात करें कि ये विदाउट एसी सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। देखो वो तो ऐसा है कि जैसे हम इसको जैसे जिसके हम अपने ह्यूमन की बात करें हाँ। कि जिस घर में वो पैदा हो जाता है बच्चा उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर लेता है जो बड़े घर में वो जिसके पास एसी अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो क्या एसी में है ना वही बात इनकी डॉग की है। और जैसे हस्की ब्रीडिंग करते हैं लोग बोलते हैं हस्की भी रहते हैं जिस वेदर में वो पैदा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर मतलब जैसे आपके पास इंपोर्टेड कौन सा था हाँ जी हाँ जी यही है अच्छा ये जो आपने हाँ स्टार्टिंग में देखा था थोड़ा सा इसकी लाइन के बारे में बताइए कि ये कौन सी लाइन से बिलोंग करता है। हाँ जी ये ट्रैकुलर्स का सन है ट्रैकुलर हाँ जी ट्रैकुलर का सन है ओके हाँ जी
थोड़ा सा बता दीजिए कि वो कोई लाइन। हाँ जी, वो थाईलैंड इंपोर्ट डॉग है। ओके, ठीक है। वो अभी अभी इंडिया में आ गया। अच्छा, वो अभी इंडिया में आ गया। थाईलैंड का चैंपियन भी है और इंडिया का भी चैंपियन। इंडिया का भी चैंपियन है। तो आप जानते होंगे, शेड टू लवर जानते होंगे कि कौन है। बना उसको इंडिया में आए हुए तकरीबन 2 साल के अकॉर्डिंग हो गए। ओके, 2 साल के अकॉर्डिंग हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो पपी का क्या प्राइस रहता होगा आपके पास, ऐसी क्वालिटी की हम बात करें? हाँ जी बिल्कुल, जो पपी का है जी, देखो वैसे तो इसकी कौन सी है, कोई एमआरपी तो होती नहीं है, मतलब एमएसपी तो ठीक है। हाँ। मेरे पास ज्यादा लोकल कस्टमर ही होते हैं। ओके, देखो तकरीबन सिडजू का बच्चा तकरीबन 30 के अकॉर्डिंग जैसे हम कह रहे थे की 1 लाख तक जाता है कोई डॉग हम बात कर। देखो जी, अगर तो सच्चाई में बात करें, ओके, फिर तो हमने तो नहीं सेल किया। आपने सेल नहीं? नहीं। हाँ, अब बोलने को कुछ भी बोल दूं, मैं बोल दूं कि मैं 10 लाख का डॉग लेकर आया हूँ, उससे क्या आपने को मेरे को नहीं देना, मैंने आपको नहीं देना। हाँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हस्की का वुली कोट का बच्चा तकरीबन 60,000 के प्लस चला जाता है। ओके, हस्की के चले हाँ, जाते हैं। शिट्जू का तकरीबन 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 30 के अकॉर्डिंग। मतलब कोई अगर इतना ज्यादा, मतलब इम्पोर्ट का हम कह सकते हैं कि इम्पोर्ट की डिमांड ज्यादा होगी, एक्सपेंसिव इम्पोर्ट होगा, बट क्वालिटी का कोई नहीं है जी। क्वालिटी बीआई की भी बड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया है, हमारे चैंपियन भी हो रहे हैं लोगों के डॉग बीआई में। ठीक है, एक ट्रेंड मतलब के सेट हो गया कि अभी इंपोर्ट का इंपोर्ट। हाँ, वो एक ब्रीडरों में होड़ लगी हुई है कि इंपोर्ट इंपोर्ट। हाँ, बेटर, बट बीआई भी निकल, बीआई भी बहुत बढ़िया बढ़िया पड़े हैं लोगों के पास, सभी ब्रीडों के। ओके, सभी ब्रीडों के, सभी ब्रीडों के बहुत बढ़िया बीआई हैं। पर वो अपने अपने एक नजरिया है, देखो भी कस्टमर का क्या एक उसका माइंड वॉश कर देते हैं कई ब्रीडर की, इंपोर्ट का बच्चा ही लेना बस। हाँ, वो फिर हमने इतना काम किया इसकी, इसी के लिए भी इंपोर्ट के साथ चलना पड़ता है लोगों के साथ। यही काम ही है। पारी को जर्मन शेफर्ड में मिली थी, जर्मन शेफर्ड में मिली थी। ओके, और भी होंगे ऐसी? हाँ जी, और भी हैं, बस चलो ये इतनी जगह थी यहाँ पर। ओके, इतनी जगह थी आपको, मतलब प्रॉपर जो आप कह रहे हो कि कैनल सेटअप होएगा। हाँ जी, ऑफिस बन जाएगा प्रॉपर आपका, स्पेशल ऑफिस बन जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये साइड ऑफिस पारी को मिली।